कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम्स है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम्स हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हल दिया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध बराबर R 27 = 100 ohms। इसके बाद ताप T पर प्रतिरोध अब यहाँ पर जो है ताप T पर प्रतिरोध T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर R1 माना हमने और R1 में हमारा जो है 117 ओम्स हो जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे 117 ओम्स। इसके बाद प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा मान लेंगे। अल्फा बराबर है आपका 1.70 × 10⁻⁴ इसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला रखेंगे हम तो फार्मूला होगा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R1 - R27 फिजिक्स अपान R27 ब्रेकेट में लिख देंगे T - 27। इसके बाद देखिए अल्फा का मान है 1.70 × 10⁻⁴ तो ये अल्फा की जगह हम इसको रखेंगे इसको तो ये अल्फा है हमारा तो हो जाएगा 1.70 × 10⁻⁴ = अब यहाँ पर R1 हमारा है 117 ओम्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे 117 - R27 को हो जाएगा 100 और बटे R27 फिर 100 है तो हम यहाँ पर 100 रखेंगे फिर इसके बाद ब्रेकेट और T - 27। देखिए हमारा फार्मूला है अल्फा = R1 - R27 और फिर इसके बाद अपान में R27 ब्रेकेट में T - 27 तो यहाँ अल्फा का मान देखिए यहाँ पर लिखा है 1.70 × 10⁻⁴ तो हमने इसकी जगह में इसको लिख दिया फिर R1 की जगह में यहाँ 117 ओम्स फिर इसके बाद जो है R27 की जगह में 100 ओम्स फिर इसको जो है हम 100 यहाँ लिखा T - 27 हमको T का मान यहाँ निकालना है। अब प्रश्न में जो है अवयव का ताप पूछ रहा है तो अवयव के ताप को हमने T माना अब हम क्या करते हैं इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 100 आ रहा और T - 27 और इंटू में आएगा 1.70 × 10⁻⁴ = इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है फिर इसके बाद क्या करेंगे हम इसको इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 100 T - 27 = 17 / ये इंटू में है ना तो नीचे आएगा बटे में हो जाएगा तो 1.70 × 10⁻⁴। अब देखिए 10⁻⁴ हमारा माइनस में है तो इस लाइन के ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17 × 10⁴ हो जाएगा और बटे 1.70 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 T - 27। न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चे हल नहीं कर पाते हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा स्टेप अगर हल करोगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 10⁴ ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया अब यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ हम 00 लगा देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा अब इसका ये काट दिया हमने और 17 × 17 यानी 10 हो गया फिर इसके बाद यहाँ पर T - 27 = 10 × 10⁴
अपान में ये 100 हो जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद टी माइनस 27 इज इक्वल टू, अब इस 10 की घात पावर से एक 10 और हटा लेते हैं, तो यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा और अपन 100 हो जाएगा। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसके बाद टी माइनस 27 इज इक्वल टू, यानी 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000। फिर इसके बाद टी बराबर 1000 प्लस 27। फिर इसके बाद हम टी इज इक्वल टू 1000 में प्लस 27 जोड़ेंगे तो टी बराबर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे अतः पदार्थ का 1027 डिग्री सेंटीग्रेड 1027 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर प्रतिरोध 117 ओम्स होगा। ये आपका आंसर होगा। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।